मेरा नाम अंबुज नारायण है, मैं CEO हूँ अनेरा। सर बात की जाए तो कैसे आपको लगा कि विवरशाला को बनारस में शुरू किया जाए और बुनकरों को इसके लाभ होगा? हमने जब साड़ी इंडस्ट्री में कदम रखा तो काफ़ी जो हमारे क्लस्टर्स हैं जैसे बनारस के क्लस्टर है उसमें हमने विजिट किया और हमने देखा कि कैसे बुनकर इतनी अच्छी इतनी सुंदर साड़ियाँ कैसे बनते हैं और हमने फिर उनकी कंडीशन देखी। जैसे अभी सबको बताया कि पिटलूम में वो बैठ के काम करते थे तो उनके लिए काफ़ी एक मुश्किल का काम है और जिस तरह से उन्होंने इतने सालों से इस जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है उसको कैसे संभाले रखा है तो हमारा एक दायित्व बना कि हम उनके इस कार्य को और प्रोत्साहित करें और उनकी जो उनको और ये साड़ी बुनने में और आराम कैसे मिले उसके लिए हमने एक काम किया और हमने सोचा कि हमें ये करना चाहिए और इसी तरह का काम हमने जो हमारे ज्वेलरी हमारे कारीगर के ज्वेलरी बनाते हैं उनके लिए भी किया था। अभी बात की जाए तो अभी आपने रामनगर में शुरू किया, क्या बनारस में भी इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, बनारस में सोच रहे हैं, भागलपुर में सोच रहे हैं और भी कई क्लस्टर्स हैं भारत में, हर लगभग हर स्टेट में एक क्लस्टर है तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर भी क्या संभावना जता रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं कि कितने बुनकर इसमें सम्मिलित होकर इस लाभ का भागीदारी बनेंगे? हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुनकर को इस विवरशाला के अंतर्गत में उनको प्रोत्साहित करें और उनका अपलिफ्टमेंट में काम करें। तो कोई देखा जाए तो बनारस बुनकरों का भी कहा जाता है कि हाँ बुनकरें बहुत तेज़ी से है और कलाकारें बड़ी तेज़ी से उभरते हैं, तो क्या ये विवरशाला आगे चलकर उन लोगों को एक सर्जनी का काम करेगा? जी हमें मानता हूँ कि विवर